मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर है, जहां पुलिस ने बुधवार की शाम शहर की पुलिस लाइन में कॉन्फ्रेंस कर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें छतरपुर और अन्य जिलों के चुराई गई 11 बाइकों सहित 3 चोरों को हिरासत में लिया गया है। अन्य बाइक और चोरों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सितंबर में जिला अस्पताल और अन्य स्थल बाइक चोरी की घटनाओं संबंधित रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता के तहत पृथक अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। सभी घटना स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया, विभिन्न चौराहा, होटल, ढाबा, दुकानों और सार्वजनिक स्थलों से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए गए। एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। पूछताछ पर 3 संदेहियों ने मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकारी है। एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपियों से बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि चोरी में वर्षीय भजन कुशवाहा, मोंटी सोनी, जगन अहिरवार, राकेश कुशवाहा सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। उनके पास 3 अन्य बाइक के बारे में भी जानकारी है। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश और पूछताछ जारी है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक बाइक चोर का जो गिरोह है उसको पर्दाफाश किया गया है। फिलहाल 11 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं और 3 आरोपी जो हैं इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इसमें इनके और भी साथीदारान हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, और संभावना है कि कुछ और भी मोटरसाइकिल होंगी, तो जल्द ही हमारी टीम उन पर भी कार्रवाई करेगी। इसमें जो मुख्य आरोपी दीपेश जैन, दिनेश कुशवाहा, दौलत विश्वकर्मा, इसमें दीपेश जैन इंदौर में रहकर के जॉब भी करता था। प्राथमिक पूछताछ में बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वो इस काम में संलिप्त हुआ और अस्पताल एवं अन्य जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जाकर के रेकी करके और समझदारी जो भी उसके पास में चाबी इत्यादि थी उसके माध्यम से वो ये कार्य को अंजाम देता था। और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए सभी मोटरसाइकिलों को जब्त किया है, बरामद किया है और आरोपियों की भी अरेस्टिंग इसमें जारी है।